Hello everyone, I'm Som Som Dhaya. I welcome you on the Rural Fight YouTube channel. Once again, I'm here with a new video. So you know very well, I have started the spoken English full course. So this is the day for today. तो अभी तक आपने देखे 3 डे में आपकी वीडियो जा चुकी हैं और बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हो, बहुत ही अच्छे चीज़ें आपके लिए मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने 15 सेंटेंसेज ऐसे दिए थे और 10 फ्रेजेज ऐसी दी थी जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। तो ये मेरी कोशिश आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसी में हम 16 सेंटेंस की बात करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। तो शांत रहें, शांत रहें को यदि आप किसी को कहना चाहते हैं शांत हो जाओ, तो उसको कह सकते हैं कीप क्वाइट, ठीक है। और इसी को हम काम डाउन भी कह सकते हैं। काम डाउन, जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो और उसको आप शांत रहने के लिए कह रहे हो तो उसको कह सकते हो काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ। और जैसे यहाँ पे किसी ऑफिस में कहीं पे भी बैठे हैं, उनको आप चुप रहने के लिए बोल रहे हो कि चुप रहिए, मतलब कंटिन्यूसली आप चुप चुप रहना आपको, तो उसमें आप कह सकते हो कीप क्वाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्रेज है दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। सो यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। खाना लगा दो, सर्व द फूड। सर्व मीन्स होता है एक तो सेवा करना होता है, एक परोसने के लिए भी हम सर्व का यूज़ करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सर्व द फूड, खाना लगा दो। लेट्स हैव ए लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे लिए ग्लास पानी लाइए। सो पानी लाने को हम बोलेंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब ब्रिंग मी के साथ आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ब्रिंग मी ए चेयर, कुछ भी आप ब्रिंग मी के साथ लगा करके ऐड कर सकते हो। दबे पाँव आओ, दबे पाँव आने को हम बोलेंगे वॉक ऑन द टिपटो, वॉक ऑन द टिपटो। टैक्सी को बुलाइए, टैक्सी को बुलाइए, कॉल द टैक्सी प्लीज़। किसी भी चीज़ को बुलाने को हम कहते हैं कॉल द डॉक्टर प्लीज़, कॉल द टैक्सी प्लीज़, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बुलानी हो तो उसके लिए हम कॉल का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा एक काम कर दो, मेरा एक काम करने को हम कहेंगे डू मी अ फेवर प्लीज़, डू मी अ फेवर प्लीज़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसको हम कई बार यूज़ करते हैं, तो इसको आप ज़्यादा फोकस के साथ याद करना है और ज़्यादा फोकस के साथ इसको देखना है। अपने बाल बना लो, अपने बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब मीन्स होता है कंघी करना, अपने बालों को कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। समझने की कोशिश करो, तो समझने की कोशिश करो को हम कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी एक बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट फ्रेज है, इसको तो हम बात बातों में यूज़ कर लेते हैं। जब कभी हम कहीं पे बैठे हों और अच्छी खासी हिंदी भी बोल रहे हों तो उसमें एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए हम कह सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे सर्दी होती है तो सर्दियों में हम कहते हैं धूप सेक लो, धूप सेकने को हम कहेंगे बास्क यू इन द सन, बास्क यू इन द सन। जब आप किचन में हो तो रोटियां बेल दो, रोटियां बेलने को हम कहेंगे रोल द चपातीज प्लीज। तो बेलना को हम रोल यूज करते हैं, तो इसी से एक वर्ड और आता है जैसे बेलन, तो बेलना को रोल कहते हैं, तो बेलन एक नाउन होगी तो इसके साथ हम ई आर लगा देंगे, रोलर, ठीक है। अब बेलर के आकार का हो, चाहे वो जैसे आपने रोड पे चलते हुए देखा होगा रोड रोलर होता है, वो क्या होता है बेलन के आकार का होता है, वो भी रोल करता है, तो उसको हम रोलर बोल देते हैं, ठीक है। तो आटा गूंथ लो, आटा गूंथने को हम बोलेंगे नीड द फ्लोर, नीड के एन ई ए डी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एन ई डबल ई डी होता है नीड, नीड मीन्स होती है ज़रूरत, ये नीड होता है गूथना, नीड द फ्लोर। रोटियां सेक लो, सेकना को हम बोलेंगे बेक, बेक द चपातीज, बेक द चपातीज। जूते पहन लो, जूते पहन लो, जूते पहनना को हम बोलेंगे पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज। और इसको हम वियर भी बोल सकते हैं, कपड़े वगैरह कोई भी चीज़ पहननी हो तो उसको वियर भी बोल सकते हैं, और शूज़ के लिए हम स्पेशली पुट ऑन यूज़ करते हैं, और शूज़ को हम वियर भी कह सकते हैं। और जूते उतार दो, उतारना को जैसे पुट ऑन पहनना हो गया तो पुट ऑफ हो गया उतारना, पुट ऑफ द शूज, ठीक है। और इसको हम रिमूव भी कह सकते हैं, रिमूव द शूज। शर्ट पहन लो, शर्ट पहनने को पुट ऑन द शर्ट हो गया और वियर द शर्ट हो गया, हमने दोनों ही सेंटेंसेस को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, शर्ट उतार लो, उतारना को हम टेक ऑफ कह सकते हैं, टेक ऑफ द शर्ट। उसे विदा कर दो,
तो फिल्मों में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस सुना होगा कि मैं उसको सी ऑफ करने गया था। सी ऑफ, सी ऑफ क्या होता है? किसी को छोड़ने जाना, विदा करना। तो उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ। सी, और इफ़ यू टॉक अबाउट द गर्ल, सो हम कह सकते हैं सी हर ऑफ। कॉफ़ी कप में डालो, तो डालना के लिए हम यूज़ करते हैं पोर, ठीक है? POUR, पोर मीन्स होता है उडेलना या डालना। चाहे आप कॉफ़ी डाल रहे हो, चाय डाल रहे हो, कोई भी चीज़ कप में डाल रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे पोर, पोर द कॉफ़ी इन द कप। नौकरी ढूंढ लो, नौकरी ढूंढना को हम बोलेंगे फाइंड द जॉब, फाइंड द जॉब। और एक लास्ट में हम लेते हैं एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा पानी लेते हैं और क्या करते हैं, कुरला करते हैं। तो कुरला करने को हम बोलते हैं रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, चलिए कुछ और देख लेते हैं इनके साथ साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस थे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इनको आप घर पे ट्राई करना। ये सेंटेंसेस हैं, आप ये वीडियो को पॉज कर करके देखते रहेंगे और इन सेंटेंसेस को आप ट्राई करेंगे घर पे। और यदि आपको कोई डाउट होता है या फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को मैं आपको सिर्फ वर्ब को पहले रखना, उसके बाद जो बचता है उसको आप लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, आपके लिए मैं यहाँ तक देता हूँ, 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस दे देता हूँ। आप इसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के ये क्वेश्चन सारे रख सकते हो, उसको बारी बारी से आप इनको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे एट होम।